फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में मैंने आपको बॉम्बे के मशहूर वड़ा पाव का जायका सिखाया था और आज मैं आज पूरी टेस्ट करने चौपाटी की नहीं अगेन दिल्ली। आज मैं आई हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे फेमस भेलपुरी पॉइंट पे। चलो अंकल से बात करते हैं। नमस्ते अंकल। तो अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील सेठी। फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, सुनील सेठी, ठीक है? और आपकी एज क्या है? 22 कैसे? जैसे होती है। अच्छा, आपकी शॉप कितने साल पुरानी है? 36 साल पुरानी। अंकल को एक्सपीरियंस उनकी एज से भी ज्यादा है। वाह। अच्छा अंकल, आपके यहाँ पे क्या क्या मिलता है? अंकल पैसे भेलपुरी। अच्छा, और क्या ज्यादा फेमस है? भेलपुरी ज्यादा फेमस। क्यों फेमस है? लोग बेवकूफ है इसलिए फेमस है। क्या बेवकूफ? अरे भेलपुरी मांगते हैं, शिवपुरी को मांगते ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, हम लोग अकलमंद ज्यादा है इसलिए हम लोग शिवपुरी। तो अंकल, अब मैं दादू की एज का तो आपसे एक बात पूछूंगी। मैं तेरा छोटा भाई हूँ, दादू की एज का नहीं हूँ। तो अंकल, आप तो कभी भी, मतलब हमने बहुत सारे आपके ब्लॉग देखे हैं, लोग आते हैं आपके पास, आपसे तो कभी आपके पास मेरी एज का कोई फूड ब्लॉगर आया? मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ये जानने की। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा अकलमंद है कि हम लोग सबसे पहले सेब पूरी अंकल को ऑर्डर देंगे। अंकल, आप एक सेब पूरी लगा दो और आप बिना मिर्ची की लगा दो, तो मैं ज़्यादा खाती हूँ। मज़ा नहीं आएगा बिना मिर्ची के। मेरे को बहुत मिर्ची लगती है। तुम डाल देंगे? हाँ, कम डाल। ये पापड़ी बिना गिने डालते बेटा, जितनी आ जाए, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती मेरे को आती नहीं। और ये क्या? ये सेवियाँ, ये बूंदी, ये मूंगफली, ये धनिया, ये कटे हुए प्याज। अच्छा, और अरे वाह, इतने अच्छी लग रही है। ये है हल्द्वानी का आलू। हल्द्वानी का आलू, ये बहुत खास आलू होता है। ये सबसे अच्छा है। अच्छा, अंकल इतने अच्छे से हमारी सेफ फूड को डिजाइन किया, मतलब डिजाइन बनाया था इतना सुंदर। आप अंकल ला रहे हैं आलू। देखो फ्रेंड्स, कितनी जल्दी जल्दी अंकल आलू कट कर रहे हैं। वाह। ये है लेमन, लेमन। अंकल लेमन को निचोड़ रहे हैं। वाओ, जैसे तेरी आंटी मुझे निचोड़ती है। ये बेटा मिर्ची वाली चटनी, कम डालो, कम। ये मिर्ची वाली चटनी है, ज्यादा डालो तो बच्चे रो पड़ते हैं। ये मीठी चटनी, मीठी चटनी। ये हो गया आपको शेफ। ये चम्मच लगा दो। ओके फ्रेंड्स, चलो अब हमारी सेफ पूरी आ चुकी है, चलो उसे टेस्ट करते हैं कैसी है। मैंने इसे टेस्ट कर लिया है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर है क्या क्या, उसके बाद बताऊंगी इसका फ्लेवर। तो इसके अंदर डली हुई है पापड़ी, और इसके अंदर डली हुई है सेब, इसके अंदर डली हुई है अनियंस, और जैसे कि हल्द्वानी के आलू जो अंकल ने बताया, जैसे कि बहुत अच्छे होते हैं इंडिया में सबसे अच्छे आलू, जो कि मीठे बिल्कुल नहीं होते हैं। और इसके अंदर डली हुई है मूंगफली, और तो और बूंदी जो मेरी फेवरेट है, और तो और धनिया डाला हुआ है, और इसके अंदर दो तरीके की चटनी डली हुई है, एक खट्टी मीठी चटनी इमली की, और एक मिर्ची वाली चटनी हरे धनिए की, जो इनका इतना टेस्ट अच्छा आ रहा है। और इनके जो आलू है वो प्रॉपर बॉइल्ड है, और अगर आपको इनकी, मतलब मैंने तो कम डलवाई थी चटनी, तो मेरे को ज़्यादा मिर्ची नहीं लगी, बट अगर आपको चटनी का टेस्ट अच्छे से लेना तो आप ज़्यादा डलवा लेना, अगर स्पाइसी आपको अच्छा लगता है। तो ये इनकी स्पाइसी वाली चटनी हरे धनिए की बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो जैसे कि अंकल ने बताया बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है वो। तो इसके अंदर अगर आपको, जैसे मैंने अभी क्या किया, सिंगल आलू ट्राई किया, तो उसके अंदर टेस्ट आ गया चटनी का, क्योंकि बहुत
अच्छे से चटनी में लिपटा हुआ था आलू हमारा, जिसके अंदर जो मूंगफली डली हुई है वो रोस्टेड मूंगफली है, कच्ची मूंगफली नहीं है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसके अंदर जो बूंदी डली हुई है उसका एकदम क्रंची क्रंची सा टेस्ट आ रहा है, और इसके अंदर जो पापड़ी डली है वो इतनी क्रंची है, इतनी अच्छी लग रही है, और सेब भी क्रंची टाइप, तो इसका टेस्ट एकदम प्रॉपर अच्छा आ रहा है। और अनियन से तो इसका टेस्ट आहा मज़ेदार, इतना जम्मी है ना, बस पूछो मत। अंकल जितनी चटपटी आपकी सेब पूरी है उतनी आपकी मीठी आपको खाते हैं तो अंकल अब हमने आपकी सेब पूरी तो ट्राई कर ली, बहुत अच्छी थी। और अब आप एक फटाफट से एक भेल पूरी बना। तो फ्रेंड्स ये अंकल का चटनी का पिटारा अच्छा हो गया। तो आपकी क्या स्पेशल है जो आपकी चटनी इतनी अच्छी टेस्टी है? तेरी आंटी का गुस्सा। मिर्ची वाली चटनी अच्छा, सुबह खाए आदमी अगली सुबह तक अच्छी चीज। तो अंकल इसमें क्या क्या डालता है ये बताने का? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए क्यों अंकल? ये बताने के, ये तो बेटा मेरी लाइफ का कोर्स है। अच्छा। ये मेरी पूरी जिंदगी की तपस्या है बेटे। तो आपको कितने साल लग गए इसको सीखने में? बहुत साल लगे बेटा, अभी तक सीख ही रहा हूँ, सीखना कभी खत्म नहीं होता बेटे। इसके भी 2.5 लाख? ये दोनों के 2.5 लाख, दोनों का बता, एक ही कोर्स। अच्छा, दोनों का अपना अपना टेस्ट है, दोनों मिलके भी अच्छी बनती है। मीठी तीखी का मिक्सचर बनता है, जब भी तुम खा रहे हो। अच्छा अंकल ये क्या डाला है इसमें? ये नहीं बताते। सीक्रेट इंग्रेडिएंट अंकल का। हेलो, तो नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज मित्तल है। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे इंडियन में जॉब करता हूँ। अच्छा, 22 साल। अच्छा, 22 साल से इंडियन दाल से भेलपूरी खा रहे हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ की भेलपूरी ज़्यादा अच्छी लगती है या सेब पूरी? हम भेलपूरी खाते हैं। अच्छा, क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है आपको भेलपूरी? यूनिक टेस्ट है। ये मुरमुरे डाले हैं, ये पापड़ी डाल रहा हूँ। अच्छा, ज्यादा सेब पूरी के ऑर्डर आते हैं या बेल पूरी के? बेल पूरी के। अच्छा, ये बूंदी, ये सेवियाँ, ये बूंदी, ये मूंगफली। अच्छा, अरे वाह। ये धनिया, ये प्याज कटे हुए, और ये फिर हल्द्वानी का आलू। आप हल्द्वानी का आलू ही क्यों? मैं हल्द्वानी ही यूज करता हूँ। क्यों ऐसा? अच्छा आलू होता है, जो बिल्कुल सूखा आलू होता है, कोई मुरझाया हुआ नहीं। हाँ। बाकी आलू ले लो उबलने के बाद पिलपिले से हो जाते हैं। हाँ। ये जरा से भी पिलपिला नहीं होता। बाकी आलू बॉयल होने के बाद ना पिच पिच अच्छे हो जाते हैं। हाँ। तो बिल्कुल सख्त आलू है। हाँ। बॉयल करने के बाद भी सही? हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसे ही रहता है जैसे कच्चा हो। हाँ। ये मिर्ची वाली चटनी, मिर्ची वाली चटनी, एक कड़छी पिला के देखो। एक कड़छी पी लो, दो भेलपूरी फ्री। अभी ये तो थोड़े से ही हैं, बाकी तो फेंक दिए। अभी ये भी फेंक दिए। मतलब आपके पास कितने लेमन के कचरों का ढेर है? 10 किलो। 10 किलो? तो सारे चिड़िया चूहे सब लेंगे, प्राणी पीछे सब बोले। वाह अंकल जी, ब्रेड पूरी कितनी अच्छी है। बारिश का नहीं, पीछे चिड़िया भीड़ लगी होगी। अच्छा,
कितना टाइम लगेगा जी? खाने वाले कल इसे मिक्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आ चुकी है हमारी बेल पूरी और ये देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। चलो वैसे टेस्ट करते हैं कैसी होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। मैंने इसे टेस्ट किया, ये बहुत यम्मी थी। और ये ना जो हमने पहले बेल पूरी खाई थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी, बट ये बहुत ज़्यादा गीली गीली है। और तो और ये उसके अंदर बहुत सारी चटनी डाली है। मजाक कर रही हूँ, जितनी अंकल डालते हैं उतनी चटनी डाली हुई है यार। तो इसके अंदर मेरे को थोड़ी सी मिर्ची लग गई है, बट जो लोग स्पाइसी खाते हैं ज़्यादा उनके लिए बेस्ट है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स तो सारे सेम हैं, और इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट डाला है वो है मुरमुरे। और ऐसा लग रहा है मुरमुरे भी इनके बहुत ज़्यादा क्रंची है, पर ऐसा लग रहा है देख के मतलब खा के ये मतलब बहुत ही मतलब अलग अलग है। पहले इंग्रेडिएंट सेम सब कुछ सेम, बस मुरमुरे ऐड किया है। ऐसा लग रहा है अलग है, अलग इंग्रेडिएंट्स भी अलग है, इतनी अच्छी लग रही है। इसके अंदर चटनी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अंदर ना आलू कुकड है और बारिश शुरू हो चुकी है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ कि इसके अंदर आलू कुकड है और ये इतना अच्छा लग रहा है। इसके अंदर मतलब एकदम फ्लेवर वाला एकदम अच्छी चीज़ लग रहा है। मैं साथ क्या से बताऊँ, आप आके ज़रूर ट्राई करना इनकी बेल पूरी या सेव पूरी। अगर आप चाहते हो या आप अकलमंद बनो तो सेव पूरी भी ज़रूर ट्राई करना इनकी, तो बहुत यम्मी खाई है। मैं आपको इनके बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। पटेल चेस्ट गेट नंबर 4 के आगे अंकल हैं और वो अच्छे से बेल पूरी और सेव पूरी बनाते हैं। टाइमिंग इनकी 1:00 आफ्टरनून में 1:00 और इवनिंग में 7:30 तक होती है। और इनकी जो बेल पूरी थी उनका 60 रुपीज़ और सेव पूरी 80 रुपीज़ की। और मैं बताऊँ तो मेरे को सेव पूरी ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत क्रिस्पी थी और ड्राई ड्राई थी। मेरे को ड्राई ड्राई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये थोड़ी वेट वेट थी, सॉफ्ट थी, तो इसलिए मेरे को ये ठीक ही थी। मौसम इन्जॉय करते करते और बेल पूरी खाते खाते इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। शर्ट पे ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो जरूर करना।